हाय, आज मैं उठी सुबह, हॉस्पिटल गई, स्क्रब्स पहने। कल जो सैंडल्स पहनी थी उसकी वजह से पैर में दोनों तरफ चोट लगी हुई थी, तो आज मैं नॉर्मल स्लीपर्स में रही, बिल्कुल फ्रीली रही। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी पेशेंट आता है एनेस्थीसिया के चेकअप के लिए, हम पेशेंट को बोलते हैं आप ब्रेथ होल्ड करके रखो 25 सेकंड तक। जिसकी 25 सेकंड तक नहीं होल्ड होती ब्रेथ, उसको अंदर नहीं जान देते ओटी में। वो इम्पॉर्टेंट है, छाती की कैपेसिटी होनी चाहिए सांस लेने की। ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो हाइट वेट के लिए, फिर ये जो दूसरा देख रहे हो ये बीपी मेजरमेंट के लिए है। इसमें पल्स रेट भी नेचुरल आ जाता है मॉनिटर में। और फिर दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो सीखी वो थी, हिस्ट्री लेते हैं स्नोरिंग की, रात को खराटे तो नहीं आते। तो सर ने बोला वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि टंग स्पिल ना हो ऑपरेशन के दौरान। तो आज बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपना शाम के टाइम अटेंडेंस के लिए वो रिकॉर्ड किया, एंड फिर दूध का पैकेट लेने गई। आज मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि बहुत बिजी थी। और फिर मैं हॉस्टल आई उस है मेरी तुझसे ही जीवन लगे रंग सा नूर चेहरे का तू ही नाम सब्र का तू ही तुझसे ही है सुखों का एहसास मेरी मुस्कान पर पहली वीडियो मैं आरोप की शुरू कर दी थी, लेकिन सेम जगह पर बैठे बैठे थोड़ा सा बोर फील हो रहा था, इसलिए मैं बैग पैक कर रही थी ताकि मैं लाइब्रेरी जा सकूं। बहुत खुशी खुशी जा रही थी लाइब्रेरी में, लेकिन ड्रामा में उसका अगला सीन कुछ और ही था। तो वो देख कर भी फिर मुझे आनंद आया। आप भी देखो। जा रही थी लाइब्रेरी, लेकिन मुझे जब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गई ना हॉस्टल के, तब मुझे याद आया अरे मैं टैब लेके जा रही हूँ, मुझे लाइब्रेरी में वीडियो सुननी है। और वहाँ पर हम मतलब ऐसे खुले हम आवाज़ में नहीं सुन सकते वीडियो, कुछ चाहिए ईयरफोन्स वगैरह। तो मैं फिर से ऊपर आई ईयरफोन्स लेने के लिए, और अभी भी मुझे माया ने तंग करना मंद नहीं किया। माया मतलब नेगेटिव एनर्जी, उसने कहीं ना कहीं मुझे तंग करके रखा, लेकिन मेरी भी हिम्मत थी अंदर। तो देखो आगे क्या होता है, आपको भी मज़ा आएगा। और मैं तो उस पार्ट को प्ले कर ही रही थी। हंसी थी ना, ये वाली हंसी थी कि माया तू हार गई देख।
ये वाली है सिटी। तो फिर मैं देखो लाइब्रेरी की एंट्री कर रही हूँ हॉस्टल में, और फिर मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और अभी भी माया ने अगला जो सीन था तंग करना बंद नहीं किया, फुल फोर्स से आई थी, पूरी कोशिश करी थी उसने कि मैं ना पढ़ाई करूँ। लेकिन जहाँ मन में एक संकल्प होता है ना, पक्का संकल्प, दृढ़ता वाला संकल्प, फिर वहाँ सफलता भी पक्की रहती है। आप भी देखो ड्रामा में आगे क्या होता है, मैं तो पार्ट प्ले कर ही रही थी। चलो जी, मैंने ईयरफोन्स कनेक्ट करने की कोशिश करी, ईयरफोन्स कनेक्ट नहीं हुए। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करी, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने चलो कहा अपने फ़ोन के वाईफाई से, मतलब आईफोन से मैंने अपना ये टैब का वाईफाई ऑन किया हॉटस्पॉट से, और 2-3 मिनट वीडियो चली होगी एनेस्थीजिया की, वो बंद हो गया अचानक से, और जो ईयरफोन्स थे उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। मैंने कहा वाह माया, बड़ी अच्छी युक्ति निकाली कि मैंने। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टैब छोड़ो, मैं जो एप्पल का फ़ोन है उसी में ही वीडियो चला लेती हूँ, और अपने को वीडियो देखने से मतलब है। देखा, मैं भूल ही गई एप्पल के भी ईयरफोन्स रूम पर ही भूल गई। फिर मैंने फिजियोलॉजी की बुक खोली, उसमें से एक चैप्टर पढ़ा, रीड किया। मैंने कहा सब तामझाम छोड़ो, पहले पढ़ते हैं कुछ। फिर मैं आई, एक नोटबुक खरीदी जस्ट लाइब्रेरी के पास में से ही, और फिर मैंने थोड़ा सा जूस वगैरह ख़रीदा, क्योंकि मेरे को चाय पीने का मन तो था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया मन को। मैंने कहा कि नहीं, ठंडा पीते हैं, छोड़ो गरम। और फिर मैंने क्वेश्चन लिखे ताकि अगली बार इस चैप्टर को रिवाइज़ करना हो, मैं सिर्फ ऐसा रिवाइज़ करूँ, क्वेश्चन पढ़ूँ, आंसर अपने आप दूँ ताकि अच्छे से हो। और फिर मैं 2 वीडियोज़ कम्प्लीट करके रूम पर आई, एंड एट लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन इज़ निश्चय बुद्धि विजयंती।